नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं भाईजान का मोहल्ला। उपचुनाव में हल्ला, 9 सीटों पर जारी मतदान को सिर्फ 1 घंटा ही बचा है, लेकिन अभी भी लगातार हंगामा हो रहा है। मीरापुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, वोटरों को धमकी दी जा रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया मीरापुर में वोटरों को रोका जा रहा है, धमकाने का आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया। एसएचओ को सस्पेंड किया जाए, अखिलेश यादव ने मांग की है। चुनाव आयोग को लगातार अखिलेश यादव की तरफ से अपील की जा रही है, मांग की जा रही है कि वोटरों को धमकाया जा रहा है। एसएचओ खुद वोटरों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। तो देखा आपने किस तरीके से महिलाएं जो है वो साफ कह रही हैं कि गोली चलाने का आदेश नहीं है, तो दूसरी तरफ से पुलिसकर्मी सीधे तौर पर कह रहे हैं हमारे पास गोली चलाने का आदेश है। तो यहाँ पर नोकझोंक जो है महिलाओं के बीच और पुलिसकर्मियों के बीच देखने को मिल रही है। ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से भी जम करके लगातार चुनाव आयोग से लगातार अपील की जा रही है कि यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो वोटरों को धमका रही है। नौ सीट पर वोटिंग, जमकर हंगामा। कुंदरकी में एसपी प्रत्याशी पुलिस के बीच बहस। पहली बार इलेक्शन नहीं हो रही है, इलेक्शन पहली बार कभी चेक नहीं होता, वाहन पहले भी आते थे, बंद भी होते थे पहले। आज तक पहली बार हुआ है। आपको आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया? आईडी चेक करते, आपकी वीडियो है मेरे पास मैडम। मीरापुर में बीच मतदान, भीषण संग्राम। पुलिस ने बरसाई लाठियां। सीसा मऊ में बीजेपी नेता पर पथराव। जैसे हिंदू बस्तियों में एक तरफ आईडी चेक करके अंदर भेजा जा रहा, वैसे शांति के साथ यहां पर वोटिंग कराएं। कुछ गुंडे घुस आए थे और वो फर्जी वोटिंग कर रहे थे और यहां पर वोटर आईडी चेक नहीं हो रही थी। हम मनोज सिंह और सभी भाई यहां पर हम लोग लगे हुए थे, इस पे हम लोगों ने आपत्ति की। पुलिस बीजेपी नेताओं के बीच बहस। अभी क्या है, क्लियर बताइए आप मिलकर क्या करना है? नसीम सोलंकी के दबाव में आप होने जो जाएगी। भाईजान का मोहल्ला, चुनाव में हल्ला। तो देखिए फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पुलिस की तरफ से मीरापुर में लाठियां बरसाई गई है, उसी की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसपी प्रत्याशी और पुलिस के बीच भिड़ंत भी हुई है, कुंदरकी की ये तस्वीरें। इसके अलावा तीसरी तस्वीर कानपुर से आपको दिखाई, जहां बीजेपी नेता और पुलिस के बीच में टकराव हुआ है। तो देखिए हर जगह पर बवाल, पथराव और धरना प्रदर्शन जैसी तमाम तस्वीरें देखने को मिली है पुलिस की तरफ से मीरापुर में, जहां लाठियां बरसाई गई है वोटरों पर, जिसे लेकर के अखिलेश यादव लगातार बवाल काट रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार मांग कर रहे हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीरापुर से अंकित मित्तल जुड़े हुए, प्रवीण पांडे से समाऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुफरान फुलपुर से जुड़े हुए हैं, मयूर शुक्ला कटहरी से, सुरेंद्र केदारनाथ से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले मीरापुर का रुख करते हुए जहां से अंकित मित्तल जुड़े हुए। अंकित, देखिए लगातार हमने वो तस्वीरें देखी है जब पुलिस कर्मियों की तरफ से वोटरों को धमकाया जा रहा है, महिलाएं कह रही है कि आपको गोली चलाने का आदेश नहीं है, लेकिन एसएचओ कहते हैं कि मेरे पास सारे आदेश है। तो क्या है ये पूरा मामला, आखिरकार कूट रहा है? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला ककुरेली
थाना क्षेत्र का है जहां पर ककरोली थाना अध्यक्ष जो हाथ में पिस्टल लिए महिला को धमकाते दिखाई दे रहे हैं, वो खुद ककरोली थाना अध्यक्ष राजीव शर्मा जो जिसको अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करके चुनाव आयोग से शिकायत की और एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग की है। राजीव शर्मा का जो पिस्टल लहराते हुए वीडियो है वो महिला द्वारा उन्हें कहा जा रहा है कि तुम गोली नहीं चलाते, तुम चला सकते, तुम्हारे पास आदेश नहीं, और खुद एसओ कह रहे हैं कि मेरे पास है आदेश, मैं गोली चलाऊंगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो वोटर है उनमें भय का माहौल है और वो वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे। इसी तरीके के कई ऐसे मामले आए, जैसे सीकरी है, सीकरी में लगभग 12:30 बजे तक जहां लगभग 5,500 से 6,000 वोट केवल 300 से 350 वोट डल पाई थी, उसके बाद डीएम ने निरीक्षण किया, निरीक्षण के बाद से ही वोटरों का निकलना शुरू हुआ, लगभग अब 35% करीब वोट डल चुके हैं। जी इसी तरीके से कई गांव ऐसे हैं जहां पर वोटरों का आरोप है, लगभग ज्यादातर जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के गांव हैं उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है और लगातार इस तरह की शिकायतें चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी करती आई है। हरेंद्र मलिक ने खुद प्रेस वार्ता करके इस बात के लिए चुनाव आयोग को कहा था। चुनाव आयोग जानकारी तो तमाम दे ही रहे हैं, आपके पीछे तमाम लोगों की मौजूदगी देखी जा रही है, उनसे भी बातचीत कीजिए, उनसे भी पूछिए कि आखिरकार जो मसला हुआ उनकी क्या राय है इस मसले पर। जी बिल्कुल, मैं कुछ लोग मेरे साथ हैं उन्हीं से जानता हूं जिस तरीके से लोगों को रोका गया वोट देने से, इन्हीं से पूछता हूं। मेरे साथ खुद जो प्रत्याशी हैं उनकी ननद है, सीकरी में जब वोटरों को रोका गया था क्या मामला है, आप सुबह से यहीं पर रुके हुए हैं? देखिए ये बात तो आपने कह दिया, सुबह से हम यहाँ रुके हुए हैं, हम यहाँ 1 बजे आए थे, उससे पहले यहाँ पे पोलिंग नहीं हो रही थी, बल्कि जब हमारी गाड़ी आई तो लोग हमें देख के डर के भाग गए कि पुलिस की गाड़ी आ गई। लोगों को और वोटर्स को मनाने के लिए हमें टाइम लगा कि आप डरिए मत, हम आप ही के बीच के लोग हैं, हम आपका वोट कास्ट कराएंगे, और तब से हम यहाँ आए। जैसे ही हम सोच रहे कि दूसरे गाँव में जाके देखे, हर गाँव से हमें फोन आ रहे जी यहाँ पोलिंग नहीं हो रही, पोलिंग नहीं। लगभग ऐसे कितने गाँव है जहाँ से आपको कॉल आ रही है, किस तरह की कॉलें आ रही है? देखिए ऐसे लगभग नया गांव नंगला बुजुर्ग, किशनपुर, तेवड़ा, ककराला, जोली, कमेड़ा, जोली, तिस्सा और ये गांव सीकरी, इसमें इतने बुरे हालात थे, 2 बजे तक यहाँ 250 वोट पड़े थे और दरवाजे बंद थे। हम लोग आए, आने के बाद ने हमने अपील की, हम उलझे और हमने डीएम साहब को फोन किया, उसके बाद यहाँ वोटिंग चालू हुआ और अब कम से कम मुझे लग रहा है 50% वोट हुआ है, बड़ी मुश्किल से हुआ है, बीच में डीएम साहब जब चले गए फिर वोट को प्रभावित किया गया। सपा प्रत्याशी सुमूल राणा भी हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं किस तरह का माहौल मीरापुर क्षेत्र का रहा, क्या क्या शिकायतें आपके पास आई? जी हमारे पास ये शिकायतें आई हैं कि वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे ख्याल से इससे बड़ी शिकायत कुछ नहीं। आप भी जिला पंचायत सदस्य हैं और समर्थक भी बताए जाते हैं समाजवादी के, किस तरह की शिकायतें और क्या माहौल रहा, क्या है मुस्लिम वोटरों का रुझान इस तरीके से? क्या सबसे पहले हम 7:30 बजे नंगला बुजुर्ग पहुंचे, वहां पे भी बैरिकेडिंग बंद थी, किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। हम लोगों ने वीडियो बनाई और सब लोगों को कहा, हिम्मत डाली लोगों में, वहां पे वोटिंग शुरू हुई। उसके बाद हम चले गए किशनपुर, किशनपुर जाने के बाद जितनी देर हम रहे वहां तो वोट पड़ा, उसके बाद फिर बंद हो गया, फिर नगला बुजुर्ग में भी वही हुआ, फिर बंद हो गया, फिर हम खेड़ी गए, खेड़ी फिरोजाबाद, वहां पे जब तक हम रहे तब तक तो वोट पड़ी, फिर वहां से हम निकले फिर वही प्रॉब्लम आने लगी, फिर हम गए कमेड़ा, कमेड़े से निकले फिर वही प्रॉब्लम आने लगी, सब जगह हमें यही प्रॉब्लम आती रही, जितनी देर हम रहते थे वोट पड़ती थी फिर उसके बाद बंद हो जाता था। लगभग ऐसे कितने गांव होंगे आपके क्षेत्र के जो इस तरह की शिकायतें आ रही थी और किस किस तरह की शिकायतें? सभी करीब करीब मुस्लिम गांव में ये शिकायतें आ रही थी, नगला बुजुर्ग है, किशनपुर है, तिस्सा में तो बहुत ही बुरी हालत थी मतलब, और उसके बाद कमेड़ा, तेवड़े में तो अच्छी परसेंटेज हुई, फिर भी बैरिकेडिंग की भी शिकायतें थी, बैरिकेडिंग की शिकायतें, किशनपुर में तो ऐसी बैरिकेडिंग थी, एक तरफ से घूम के आए बहुत लंबा, आदमी को वोट को जाना पड़े कि एक तरफ से डालेंगे दूसरी तरफ से नहीं डालेंगे। वो किस तरह का फर्क पड़ा होगा चुनाव पे इस तरह? चुनाव पे तो देखो इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि 10,000-15,000 मुस्लिम वोट कम पड़ा इस बार, 10,000 से 15,000 के बीच में वोटिंग कम हुई, जो इन्होंने परेशान। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ जो सपा प्रत्याशी थे उनके परिवार के लोग थे, उनके समर्थक थे, उनका कहना है कि जो गांव दर गांव ये घूमे हैं इनके पास लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांवों से शिकायतें आई थी कि पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, वोट नहीं डलने दी जा रही, कहीं नाम के ऊपर शिकायत आ रही है, आधार कार्ड के ऊपर, पर्ची के ऊपर लगातार शिकायतें पुलिस के खिलाफ आई और इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग में लगातार शिकायत भी की और 2 दरोगा जो है सस्पेंड भी किए गए हैं मुजफ्फरनगर में, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये शिकायत है पुलिस की भूमिका संदिग्ध भी नजर आई, क्योंकि अगर संदिग्ध नजर ना आती तो 2 दरोगा सस्पेंड ना होते। जी चलिए ठीक है अंकित, आपका रुख करेंगे, प्रवीण का रुख कर लेते हैं, सीसामऊ से सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीसामऊ में भी बवाल की तमाम तस्वीरें प्रवीण आज देखी गई है, तो फिलहाल किस तरीके का माहौल सियासी नजर आ रहा है सीसामऊ में?
अचल जी बिल्कुल, सुबह से जिस तरीके से वोट स्टार्ट होता है, वोट मतदान का शुरू होता है, उसके एक से डेढ़ घंटे बाद में तमाम शिकायतें आती हैं सपा प्रत्याशी की तरफ से कि तमाम जगह मतदान कर्मियों को रोका जाता है। कई जगह शिकायतें आई कि पुलिस उनको परेशान कर रही थी, यहाँ तक कि उनके घर के लोगों को भी उठा के थाने में बंद कर दिया गया। हंगामा हुआ जिसको लेकर पुलिस ने खदेड़ा भी जाके, और उसके बाद में शाम को एक हंगामा होता है जो सबसे बड़ा पोलिंग बूथ मुस्लिम का पोलिंग बूथ है, वहाँ पर सपा प्रत्याशी आती हैं वापस चली जाती है। जैसे ही बीजेपी के प्रत्याशी आते हैं उनका आरोप है कि उनके साथ उनके पुलिस से उनकी झड़प भी होती है, कुछ लोग उनका घेराव कर लेते हैं, बीजेपी प्रत्याशी का आरोप तमाम प्रकार के वो भी लगाते हैं। ऐसे में उनके ये भी कहना है कि उनकी गाड़ी किसी ने पत्थर फेंका जो गाड़ी के बोनट पे लगा है। थोड़ी देर बाद में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता पोलिंग बूथ के बाहर जमीन पे बैठ जाते हैं और उनका आरोप है कि मेरे एजेंट को पुलिसकर्मी ने पीटा था। तो इन बातों को लेकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब पुलिसकर्मी उनको मनोवल करते हैं उसके बाद से वहाँ हटते हैं। तो पूरा दिन सरगर्मी, मतलब गर्मियों से भरा रहा, कुल मिलाकर चुनावी सरगर्मियाँ भरी रही हैं। तमाम शिकायतें, तमाम मारपीट के आरोप, तमाम मतदान ना करने के आरोप लगे रहे। कुछ मतदाता हमारे साथ मौजूद, हम सीधे उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ खास दिक्कतें पूरे दिन भर उनके साथ रही हैं। क्या दिक्कतें आई पूरा दिन? पुलिस ने बहुत वोटरों को परेशान किया, डालने नहीं दिया गया आईडी जो कि मना थी, पुलिस को नहीं चेक करना चाहिए। पुलिस ने उसको चेक किया और कहते हैं फर्जी आपकी आईडी है, फर्जी वोट है, उनको रोका जा रहा था। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन से कहा गया तो थोड़ा सुधार आया, फिर यही करते रहे, ये सब करता है। वोट डाला था आपने? वोट डाला। क्या दिक्कत है आई थी? कोई दिक्कत नहीं आई थी उस टाइम, तो वोट डाला गया था उस टाइम, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस रोक टोक कहीं कर रही थी? नहीं, पुलिस रोक टोक तो कर ही रही थी, प्रशासन जो अपना काम कर रहा था वो तो कर ही रहा था, लेकिन फिर भी वोट पड़े हैं, पब्लिक निकल रही थी, पब्लिक ने वोट डाला, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। काफ़ी शिकायतें? जी काफ़ी शिकायतें। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक शुक्ला। क्या दिक्कतें रही पूरे दिन? दिक्कतें कोई नहीं, बराबर वोटर डाल रहे हैं अपनी आई डी दिखा के, जिसके पास आई डी नहीं, जिसके पास मोबाइल है उसको वापस किया जा रहा है, बाकी सब सुचारू रूप से वोटिंग चल रही है, कोई दिक्कत। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर। क्या दिक्कत रही पूरे दिन? सर पूरे दिन कोई दिक्कत नहीं रही सर, दिक्कत खाली थोड़ी सी ये रही है कि जैसे कि हम लोग वोट डालने आए तो उन्होंने वोट को जैसे पर्ची देख रहे हैं, पर्ची मैंने उनको दिखा दी तो उनमें दिक्कत की, ये नहीं आपकी नहीं चल पाएगी, शायद आपका वोट पड़ चुका है, पर सर मेरा तो वोट पड़ा ही नहीं था, पर बहरहाल उनको फिर मैंने उनसे अपनी बात करी थोड़ी सी तो उन्होंने फिर मुझको वोट डालने के लिए सर दिया। चलिए, आपकी क्या शिकायतें रही पूरे दिन में, क्या कहा, कैसे, क्या दिक्कत आपको? हमें दिक्कत यही है सी, चुनाव आयोग ने जो लगाया था प्रशासन के ऊपर, प्रशासन का ये नहीं चेक करने का, तो अंदर चुनाव में बैठे होंगे प्रशासन जो बैठे वो चेक करने का था पर्ची का, तो वो पर्ची चेक करी आ रही कह रही नहीं, शक्ल नहीं मिल रही, बचपन के अलग जवानी का अलग तो वही तो आएगा, ये कह रहे शक्ल नहीं मिल रही, सब बताया जा रहा है। चलिए, आप वोट डाल के आए? नहीं, हमारा चलिए आपका रुख करेंगे। गुफरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फूलपुर से। गुफरान, फूलपुर की स्थिति फिलहाल क्या देखने को मिल रही है और दिन भर किस तरीके की हलचल? हाँ बिल्कुल, देखिए फूलपुर की अगर बात करें तो जो मतदान की प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है, सुबह करीब 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हुआ। पूरे ओवरऑल 435 बूथों की बात करें तो कहीं पर भी कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई जिससे मतदान जो है वो बाधित हो सके या कोई दिक्कतें आ सके। हालांकि अखिलेश यादव ने 2-3 जगहों को लेकर के ट्वीट जरूर किए समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, लेकिन जो रियलिटी हमने देखा तो वहाँ वैसी दिक्कतें फिलहाल नहीं आई हैं। तमाम जो लोग हैं जो मतदान की पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे, जिन्होंने मतदाता के रूप में भूमिका अदा की है, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं, बढ़िया सा हो गया मतदान, सब ठीक ठाक रहा? सब ठीक ठाक रहा, मतदान शांतिपूर्ण रहा। ये झूसी कोहना का मतदान यहाँ पर था गांव का, और यहाँ बहुत ही शांति से संपन्न, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी तो कह रही थी कि मतदान रोका जा रहा है, लोगों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। नहीं, किसी को नहीं रोका गया है, बिल्कुल एकदम शांति से हुआ है, ऐसे ही गुंडा राज खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचार का सब मुद्दे सब खत्म हो चुके हैं, कोई ऐसा है ही नहीं। 370 धारा खत्म रहे आप लोगों की, धारा 370 हटा दिया है, सबका साथ सबका विकास हुआ है। बिल्कुल, देखिए विकास के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया है, और जो आरोप लगाए जा रहे थे कि मतदान से रोका जा रहा था उस पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बाबूजी आप तो कई बसंत चुनाव के देखे होंगे, क्या लग रहा है अब? विकास के ऊपर बीजेपी को वोट पड़ा हुआ है, बीजेपी यहाँ से जीत रही है, और वो साइकिल वाले जो दावा कर रहे हैं, साइकिल वाले फर्जी है, मगर कबाड़े में हाथी मर गई जाड़े में। ये बताएं क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट किए हैं? हम लोग सनातन सुशासन, और जो आधी रात की महिलाएं टहल नहीं सकती थी वो सुरक्षा के नाम, सुरक्षा के नाम पर वो सब टहल रही हैं, और जो है देश एकदम खुशहाल है, जबरन जो है विपक्ष वाले जो है हवा फैलाते हैं,
हैं, योगी जो मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है उसमें बहुत ही अच्छा सब। ये बताएं, ये अखिलेश यादव ट्वीट करके ये आरोप लगा रहे थे कि वोट नहीं करने दिया जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है, फूलपुर में भी दो तीन जगहों को लेकर के, ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कोई नहीं, ये गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं क्योंकि ये लोग खुद ही दंगाई हैं। अपनी बातचीत जारी रखेंगे, एक बार फिर से रुक करेंगे, फिलहाल मयूर का रुक कर लेते हैं। मयूर, कठेरी की स्थिति क्या कुछ देखने को मिली है? देखिए, कल ही अखिलेश यादव की तरफ से चुनाव आयोग में एक अपील की गई थी कि मुस्लिम मतदाता जब पहुंचेंगे तो उनका बुर्का ना उठाया जाए, चेकिंग ना की जाए, कुछ इस तरीके का जो चुनाव आयोग को एक पत्र है वो अखिलेश यादव की तरफ से लिखा गया, जिसके बाद सियासत भी हाई हो गई थी। आज कठेरी में किस तरीके का माहौल रहा और फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, कटहरी के बारे में तमाम सारी बातें मैं बताना चाहूंगा कि सुबह से ही लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि कटहरी में जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर मुसलमानों को रोका जा रहा है, समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको प्रभावित किया जा रहा है, घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है, चौराहों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लगातार एक्स पर पोस्ट हो रहा था सपा के पेज से, अखिलेश यादव के पेज से, चुनाव आयोग को लगातार लिख रहे थे कि इस मामले का संज्ञान लें। कई जगहों से हमें शिकायत मिली कटहरी में, हम वहां पर लोकेशन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां बैरिकेडिंग जरूर होती है, कई जगहों पर मीडिया को भी आगे जाने से रोका गया, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं, तमाम और मीडिया पर्सन पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता निकलकर अपने घरों से आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। वहां पर तत्काल डीएम भी पहुंच जाते हैं, शोभावती वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके पति हैं लालजी वर्मा जो कि सांसद हैं, अंबेडकर नगर से इससे पहले विधायक थे, तो उन्होंने भी आरोप लगाए, कई जगह उनकी पुलिस से झड़प भी हुई जिसका वीडियो सामने आया। तो जब डीएम पहुंचते तो कहते हैं कि आप जाकर अंदर चेक कर सकते हैं, सारे मीडिया पर्सन भी आपसे जानकारी लेंगे। एक बार फिर से मीरापुर का रुख कर लेते हैं। अंकित मित्तल, देखिए मीरापुर में क्या, जिस तरीके का आज हमने हाई वोल्टेज ड्रामा देखा, पुलिस कर्मियों की तरफ से वोटरों को धमकाया जा रहा है, एक वीडियो जो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है और वो वीडियो हमने भी अपने दर्शकों को दिखाया, किस तरीके से महिलाएं जो है अपील कर रही है लेकिन दूसरी तरफ पुलिसकर्मी का कहना है कि नहीं, हमारे पास तो आदेश है, हम तो गोली चलाएंगे। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा इसीलिए क्योंकि मीरापुर में इस बार बहुकोणीय मुकाबला हो चुका था, त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका था, साख का सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल, इस बात से कहीं निराय नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर जो चंदन चौहान पहले विधायक थे वो सांसद बने हैं और रालोद और बीजेपी का गठबंधन है, सरकार की नाक की सवाल इस समय ये सीट हो गई है क्योंकि प्रभारी जो मंत्री बनाया गया है अनिल कुमार, जो कैबिनेट मंत्री रालोद के खाते से आए हैं, उन्हें इस सीट का प्रभारी बनाया गया है, सुमेंदर तोमर को बनाया है, केपी मलिक को बनाया गया, चार चार मंत्रियों को इसका प्रभारी बनाकर इस सीट को जिताने की जो वोटरों में जाके प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं सरकार की नाक का वो भी। और लगातार जिस तरीके से दिन निकलते ही जो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ है, पथराव हुआ है, फिर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है जो ककरोली थाना अध्यक्ष राजीव शर्मा की है और जिसे अखिलेश यादव खुद चुनाव आयोग में शिकायत करते हैं, और आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इंस्पेक्टर ललकार रहे हैं महिलाओं को, दिखाई रहे हैं, आपने जानकारी भी साझा की बहुत ही खूबसूरत ढंग से। लेकिन इस पूरी जानकारी से जुड़ी हुई तमाम लोगों से आप बातचीत कीजिए कि उनकी क्या राय है जिस तरीके से आज दिन भर पथराव हुए, बवाल हुए। मेरे साथ यहाँ पे हम इस समय सीकरी में मौजूद हैं, यहाँ की जो जनता है फिलहाल जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की जो यहाँ पे सुबह से जो ड्रामा चल रहा था हाई वोल्टेज ड्रामा, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। सुबह सीकरी में जब मतदान होना शुरू हुआ किस तरह का वो चल रहा था यहाँ पे और किस तरह शुरुआत हुई और कब तक ये चल रहा है? ये सीकरी गाँव में सुबह से ही प्रशासन ने अपना पूरा जोर लगा रखा था, गांव में बैरिकेडिंग कर रखी थी, यहाँ किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा था, लाठी लेकर उनको भगाया जा रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या की गई है, डेमोक्रेसी में सबको वोट डालने का अधिकार है, किसी को वोट नहीं डालने दिया गया। 2 बजे हम लोग आए प्रत्याशी और मैं, विधानसभा अध्यक्ष मीरापुर सादिक चौहान, हम लोग आए, आने के बाद हमने बात की और यहाँ पूरी अपनी ताकत लगाई, लगाने के बाद में डीएम साहब को फोन किया, जब डीएम साहब आए और जब यहाँ वोटिंग खुला और वोटिंग खुलने के बाद उसके बाद जब यहाँ वोट चालू हुआ, नहीं तो उससे पहले यहाँ 200 वोट पड़ी थी और 200 वोट पड़ने के बाद यहाँ दरवाजे बंद कर दिए गए थे। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, किस तरह की परेशानी हो रही थी यहाँ पे? दिक्कत ये है, उसका 2 बजे यही है, उन्होंने आगे प्रशासन से बातचीत की, वोट डालने शुरू कर दिए, उसके बाद में बीच में चली गई, उसके बाद में दिक्कत हुई है। किस तरह की दिक्कतें आ रही थी, क्या हो रहा था? कभी वोट डालने में कभी क्या नाम उसका लाठी बजा रहे हैं, किस तरह की परेशानी? लाठी चार्ज कर रहे थे, मैं भी 4-5 बार आ चुका हूँ, मेरा वोट अभी तक नहीं डाला, मेरे पर्ची और ये रखा है भी आपके पास में, तो इन्होंने कोई वोट नहीं डालने दिया, रोक रहे थे पुलिस वाले, लाठी चार्ज कर रहे थे, वीडियो भी मेरे पास में है, यूपी 12 ग्रुप है मेरा, उसमें लगभग 1000+ आदमी, उसमें काफी वीडियो छोड़ भी रखी है मैंने,
तो इन्होंने लाठीचार्ज काफी किया है यहाँ पर। तो आपने इसकी शिकायत कभी चालू कर रहे? शिकायत नहीं की। शिकायत किससे करेंगे ये बताइए? शिकायत की तभी तो यहाँ राणा जी आए, फिर उन्होंने आगे चालू कराया सम्बुल राणा जी ने। क्या लगता है जिस तरीके से इस बार ही हुआ है या पहले से होता है? पहली बार हुआ है जी। पहली बार इतनी बैरिकेडिंग करी गई, सिकड़ी के अंदर ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं हुई। चारों तरफ आने वाले रास्ते जो थे बंद थे। अब बताओ कोई वोटिंग डालने के लिए आ रहा है, वहां से चक्कर काट का उधर से घूम गया, घूम के कहां से आएगा? जो बुजुर्ग आदमी कैसे घूम गया बताओ? अब लाठी लेके मैं तो भगा जा रहा, लाठी बाजा रही, कई आदमी चोट भी लगी है, परेशान हालात से गुजर रहे हैं लोग। इनको कई बार मैंने फोन करा गया, तब यहाँ पहुंचे हैं, तब मॉल यहाँ शांति व्यवस्था बना के रखी है। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इसे जानते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव शेंकरी से ही रहने वाला हूँ। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा आज वोट? यही परेशानी थी कि जिस तरह अगर किसी का नाम वसीम अहमद है और उसमें जो आधार कार्ड में वसीम अकरम है, तो कहने लगे आप जाइए, आपके किसी में अगर कहीं में एक ही मात्रा का भी फर्क आ रहा तो उसे सुबह से जो है क्या नाम प्रशासन वापसी कर रहा था। कहने लगे आप जाइए, आपकी वोटर आई डी सही नहीं। उन्होंने जिक्र किया, ये बात जानने की कोशिश कीजिए, क्या एक विशेष समुदाय को आई डी कार्ड चेक करके उन्हें ही रोका जा रहा था या फिर सभी वोटरों को रोका जा रहा था? बिल्कुल, जिस तरीके से आरोप एक समुदाय के लोग ही लगा रहे हैं कि हमें कभी आईडी के नाम पर आधार कार्ड के नाम पर रोका जा रहा था और कहीं पिता के नाम पर कोई गलती बता के, मात्रा की गलती बताकर वापस भेजा जा रहा था, कहीं ना कहीं एक समुदाय को ही टारगेट करके इस पूरे मामले को तूल दिया गया है जी। चलिए ठीक है अंकित, आप लोगों से बातचीत कीजिए, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। केदारनाथ का रुख कर लेते हैं, सुरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, केदारनाथ में किस तरीके का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा और आज दिन भर किस तरीके की हलचल? देखिए बिल्कुल, 3 बजे तक करीब 47% मतदान केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में हुआ है। इस वक्त मैं अगस्त मुनि में ये जीआईसी के पोलिंग बूथ पे हूँ और आप देखिए सुबह 1 घंटा देर का समय उत्तराखंड के लिए रखा गया था, पहाड़ों का समय है, ठंड होती है और 8 से 6 का समय यहाँ रखा गया था, लेकिन अब आप देखिए जैसे जैसे 5:30 बजे का वक्त होने वाला है भीड़ लगभग गायब हो चुकी है, अब इक्का दुक्का वोटर ही आ रहे हैं और आधे घंटे के बाद फिर ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 47% मतदान हुआ है 3 बजे तक, इसका मतलब आप ये मानिए कि ये 55% को ये क्रॉस कर सकता है ये मतदान, ऐसा लग रहा है। उपचुनाव में अगर 50-55% भी मतदान हो रहा है तो उसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि लोगों में उत्साह कम रहता है। करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार लोगों ने जब मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं क्या सोच करके, किस मुद्दे को ध्यान में रख करके मत का इस्तेमाल किया, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।